दोस्तों अक्षय कुमार भीतर ही भीतर ये सोच रहे हैं कि उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन के ऊपर ये फिल्म क्यों की। उन्हें लगा था कि ये फिल्म उन्हें बहुत बड़ा स्टारडम दिला देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, जिसके चलते इस फिल्म को बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है। एक तरफ विक्रम जो साथ में रिलीज हुई थी वो 400 करोड़ की कमाई के करीब पहुंच चुकी है, और पृथ्वीराज जो 300 करोड़ के बजट में बनी थी वो सिर्फ 67 करोड़ ही कमा सकी। विक्रम के तीसरे हफ्ते के वीकेंड पर ये फिल्म जो 400 करोड़ के करीब पहुंची है, वहीं पर जो पृथ्वीराज है ये तीसरे हफ्ते के वीकेंड पर 70 लाख रुपए की कमाई की है, ऐसा ऑफिशियल जो बात कही जा रही है सम्राट पृथ्वीराज के मेकर्स की तरफ से। लेकिन केआरके का कुछ अलग ही कहना है। केआरके का ये कहना है कि ये फिल्म वीकेंड पर सिर्फ 8,500 रुपए ही कमा सकी है, यानी इस फिल्म की बहुत ही बुरी स्थिति है। और 8,500 मतलब बहुत ही, आप कह सकते हैं कि क्या ही कमाई की है। इतनी कमाई मतलब कुछ दिनों पहले धाकड़ की खिल्ली उड़ाई जा रही थी, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, और अब पृथ्वीराज का अक्षय कुमार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो गया। और इसके जो मेकर है, जो डायरेक्टर है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने ये कहा था कि अक्षय कुमार ने भी ये बात कही थी कि अगर ये फिल्म सुपरहिट हो जाएगी तो मैं आगे भी इसी तरह की फिल्म करूंगा, और अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो मैं फिर राउडी राठौर और हाउसफुल जैसी फिल्में करूंगा, जो कि मसाला फिल्में हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सीज नहीं होती, जिसमें पैसे भी अच्छे बन जाते हैं और स्टारडम भी मिल जाता है। तो अब आगे से अक्षय कुमार कोई भी हिस्टोरिकल मूवी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आंकड़े 8,500 रुपए की कमाई वीकेंड पर बताई जा रही है, ये अपने आप में बेहद शर्म की बात है।